हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। मैं आपका फ्रेंड, आपका मेंटर, आपका टीचर मयूर आपके साथ हूँ आज एक नए रिवीजन वर्क के साथ, जिसमें हम लोग सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर टू बी एंड टू सी रिलेटेड टू कंसाइज बुक ऑफ क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट्स। टुडेज वीडियो इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां से भी बोर्ड में क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आने पर सब्सक्राइब और लाइक ज्यादा से ज्यादा करिएगा और शेयर भी अपने फ्रेंड्स के बीच में करिएगा, खास तौर से उन स्टूडेंट से जो कि आईसीएसई बोर्ड से रिलेटेड है। बाय द वे, सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ दीज वीडियोज बिकॉज दे हैव स्टडीड दीज टॉपिक्स इन क्लास 9। इन 10th दे हैव नॉट एनी सच चैप्टर बट इन 9th दे हैव दिस चैप्टर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारे पास जो दो पार्ट बचे in chapter 2, work energy and power, that was the first part which I have discussed in earlier video. In today's video we have two topics. The first one is form of energy and the second one is laws related to conservation of energy. To pehle hum log second part se start karte hain, forms of energy. First of all, if we are going to talk about the forms of energy, energy can be of many forms like solar energy, विंड एनर्जी, ओके, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस मैकेनिकल एनर्जी। सो बेसिकली अगर मैं यहां पर आपसे पूछ रहा हूं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमारा जो पहला टॉपिक है वो यही है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी इज बेसिकली द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, किसी भी मशीन में डेवलप होने वाली टोटल एनर्जी। और किसी भी मशीन में डेवलप होने वाली टोटल एनर्जी दो तरीकों से हो सकती है, या तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी उस मशीन की बिकॉज ऑफ इट्स मास एंड पोजीशन, और दूसरी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स मूवमेंट। सो मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन सिंपल सी है, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। इसके बाद जो अगला टॉपिक आपको पढ़ना है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन और इट्स कन्फिग्रेशन। दो वर्ड यहां पर मैंने यूज किए, ड्यू टू इट्स पोजिशन और कन्फिग्रेशन। तो इसका मतलब क्लियर है, पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की हो गई, पोजिशन की वजह से जो हो गई उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और जो कन्फिग्रेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई दैट विल बी कॉल्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। By the way, मैं आपको बता दूं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बहुत डीप नॉलेज आपको चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक पर दो वीडियोस प्रोवाइड किए, एक में मैंने बहुत ही कम डेप्थ के साथ कवर किया है सिलेबस वाइज, और एक में मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स देकर अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो दोनों वीडियोस की हेल्प से आप पोटेंशियल एनर्जी को और डीपली समझ सकते हो। आज के वीडियो में मैं सिर्फ वो बातें बताने जा रहा हूं जो बोर्ड की प्रिपरेशन करते समय आपको ध्यान देनी है। तो पहली चीज आपने मैकेनिकल एनर्जी पर ध्यान दे लिया, पोटेंशियल एनर्जी पर ध्यान दे लिया, देन इट द फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन टॉपिक्स पर ध्यान दे लिया। उसके बाद आता है वी हैव द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन अवर सिलेबस। हमारे सिलेबस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है जो कि होता है यू इज इक्वल टू एम जी एच। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिप्रेजेंटेड विद लेटर यू एंड फॉर्मूला फॉर यू इज एम जी एच, वेयर एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, G is the acceleration due to gravity and H will be the height. तो ये हो जाता है gravitational potential energy का formula. Elastic potential energy का formula हमारे syllabus में नहीं है. After that, the next topic which we have to study in this part is kinetic energy. What is kinetic energy? Very simple. The energy possessed by an object due to its motion. किसी भी object में motion की वजह से जो energy develop हो जाती है, we called that energy as kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जनरली आस्क मी द डेरिवेशन ऑफ दिस इज वेरी स्मॉल, तो ये तो प्रिपेयर आराम से हो जाता है, इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी है, तो बच्चे कई बार उसे बचने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं इस साल देख रहा हूं खास तौर से, क्योंकि कई जगहों पर लिखा हुआ है डेरिवेशन आर नॉट अलाउड, डेरिवेशन आर नॉट हैव नॉट टू बी आस्क्ड।
लेकिन मैं कहूंगा अगर आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने आगे साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप आगे 11th 12th में जाने वाले हो जहां पर डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स का परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, यही एडवाइस करूंगा, न्यूमेरिकल्स का अगर आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व करना चाहते हो तो इसका डेरिवेशन आप अच्छे से सीख लीजिएगा। अगर डेरिवेशन में प्रॉब्लम है तो मेरे काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड वीडियो को जरूर वॉच करिएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पजस्ड बाई एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, एम फॉर मास, वी फॉर द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज द कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। देन द नेक्स्ट थिंग इज रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, के इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। इसका भी एक छोटा सा डेरिवेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। समझ में ना आए तो आप मेरे काइनेटिक एनर्जी वीडियो से हेल्प ले सकते हैं, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से बहुत सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक था काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशनशिप, जो आपको ध्यान देना है। बेटा एक बात ध्यान दीजिएगा, जब आप बोर्ड प्रिपरेशन करने बैठो पूरी बुक की आप रीडिंग को एक बार जरूर करो, जो भी चैप्टर है रीड आप पूरा करिए एक बार। ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूं इनको आपको खास तौर से फोकस्ड रहना है, क्योंकि यही आपके लिए इन्हीं से क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादातर 99% इन्हीं में से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो रीडिंग आपको पूरे चैप्टर की करनी होगी और इन पॉइंट्स पर जो मैं आपको वीडियो से बता रहा हूं थोड़ा ज्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम आती है, सर याद क्या करें, बहुत ज्यादा ज्यादा लर्न क्या करें, प्रैक्टिस किसकी करें? प्रैक्टिस आपको डेरिवेशंस की करनी है, लर्न आपको डेफिनेशंस करनी है, ठीक है। और पढ़ लो एक बार आपको पूरा मैटर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, जो नेक्स्ट टॉपिक हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। जैसा कि इसमें नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क और एनर्जी का आपस में रिलेशन। आप मैं इसको पहले एग्जांपल देता हूं आपको, तब मैं आपको इसका स्टेटमेंट बताता हूं। आपका एक फ्रेंड साइकिल चला रहा है किसी पर्टिकुलर स्पीड से, देन इट हैज पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी। आप गए और आपने जोर से उसे धक्का दे दिया, पुश कर दिया, इसका मतलब है यू हैव डन सम वर्क ऑन दैट, बिकॉज आपके धक्का देने से वो डिस्प्लेस भी हुआ, उसकी स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ने का मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट द वर्क डन ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो भी हम वर्क करते हैं वो उस ऑब्जेक्ट की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाता है। सो वी कैन राइट इट एज W इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई, के एफ इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यू कैन से दैट, एंड के आई इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो वर्क करने से पहले थी ऑब्जेक्ट में। सो दिस इज कॉल्ड एज वर्क एनर्जी थ्योरम। सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, जहां पर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और u है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज वर्क एनर्जी थ्योरम। उसके बाद आता है बेटा फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एज आई टोल्ड यू पोटेंशियल एनर्जी हैज टू फॉर्म्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बट हियर काइनेटिक एनर्जी हैज थ्री फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द मोशन, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तीन तरह की होगी, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर मोशन कर रहा होगा देन द काइनेटिक एनर्जी पजस्ड बाय द ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन रोटेशन देन द काइनेटिक एनर्जी पजस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन वाइब्रेशन स्टेट देन द काइनेटिक एनर्जी पजस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के ये तीन फॉर्म्स होते हैं। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इनटू ईच अदर। सपोज एक बात और आती है, एक टॉपिक और है बीच में डिफरेंसेस, तो डिफरेंसेस तो आप इजीली बना सकते हो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एक एक डिफरेंस तो उसका डेफिनेशन वाइज लिख सकते हो आप। दूसरा डिफरेंस ये लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डायरेक्टली इनटू एनी अदर एनर्जी फॉर्म, बट काइनेटिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म। आप कभी भी पोटेंशियल एनर्जी को डायरेक्टली बिना काइनेटिक एनर्जी में चेंज किए किसी दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं कर पाओगे। पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म। तो ये दो डिफरेंस सफिशियंट है।
After that, we have some examples in the form of conversion of potential and kinetic. Like, सबसे पहले हम लोग bow and arrow का example लेते हैं. Example of bow and arrow. Bow and arrow की working के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? सबसे पहले हमें bow में जो string लगी होती है, उस string को stretch करना होता है. जैसे हम string को stretch करते हैं, we have developed elastic potential energy in it. हमने उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दी और अभी भी देखो उसकी वर्किंग आपको नहीं दिखाई दे रही है. जैसे ही एरो जो कि उस स्ट्रिंग से अटैच्ड है आपकी फिंगर्स पर फिक्स है, अब जैसे ही आप उस स्ट्रिंग को रिलीज करोगे देन सडनली इट विल कम इन काइनेटिक एनर्जी. वो मोशन में आ जाएगी स्ट्रिंग, तो वो जो पूरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रिंग के अंदर स्टोर थी वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एरो में, और इसीलिए एरो एक हाई वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ेगा. यही चीज होती है स्प्रिंग वॉचेस में. जो वॉचेस होती है, घड़ियां होती है स्प्रिंग वॉच, जिसमें हम लोग स्प्रिंग से टाइट करके तब उस घड़ी को यूटिलाइज करते हैं. आजकल उस तरह की घड़ियां कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी यहां पर इस एग्जांपल के लिए सबसे अच्छा, मतलब यहां पर अगर हम समझाना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक को, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे लिए बन सकता है. क्या होता है उसमें, जब आप एक्सटर्नली उसका जो डायल होता है, उस डायल के किनारे एक छोटा सा बटन लगा रहता है, छोटा सा बजर लगा होता है, उस बजर को जब आप पूरी तरह से टाइट कर देते हो इतना कि जब वो और फर्दर नहीं रोटेट हो पा रहा है, इसका मतलब क्या है, उस घड़ी के अंदर, उस वॉच के अंदर जो स्प्रिंग लगी है वो पूरी तरह से कंप्रेस हो गई है. पूरी तरह से कंप्रेस होने के बाद अब वो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी. वहां पर भी हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी से, मतलब एक्सटर्नल मस्कुलर फोर्स लगाकर मस्कुलर एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दिया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में. Then that elastic potential energy is gradually converting into kinetic energy of the hands of the clock. जो भी clock की hands है उसमें वो energy transfer होके उनको चलाती है. फिर जब वो पूरी तरह से unwind हो जाती है, पूरी तरह से वो जो spring लगी है उसके अंदर खुल जाती है, तो घड़ी फिर रुक जाएगी. Then again you have to match the time and repeat the same process. Then फिर अगेन वो चलना शुरू कर देगी. तो ये कुछ examples हैं, ऐसे दो तीन और examples हैं, आप सभी examples को एक बार आप अच्छे से देख लोगे. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म्स दिए गए हैं, उनकी आपको एक एक बार रीडिंग कर लेनी है. इनसे रिलेटेड डेफिनेशंस तो कभी नहीं आती ना आएंगी, आप उससे बेफिक्र रहिए, लेकिन आता क्या है, डिवाइसेस के नेम या प्रोसेस के नेम. सपोज एग्जाम्पल उन्होंने पूछ लिया, विच एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में कौन सा एनर्जी कन्वर्जन होता है, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में आप जानते हो प्लांट्स टेक सोलर एनर्जी, तो यहां पर देखा जाए सोलर एनर्जी से वो क्या बना लेते हैं, अपना फूड. तो सोलर एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है. इसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, थर्मोकपल, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक मोटर, आपको एक पहले फ्लो चार्ट में भी दिया गया, डायग्राम वाइज डायग्राम में भी दिया गया, और उसके बाद अगली हेडिंग भी एक दी गई है, तो वहां से आप ये एनर्जी के कन्वर्जन के सारे एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से पढ़ दोगे. एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस दिए हैं, उनको भी आप अच्छे से लगा लोगे, तभी आपका ये टॉपिक कंप्लीट पाए, क्योंकि इसको आप रट नहीं सकते. नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी. व्हेन वी आर कन्वर्टिंग एनी एनर्जी फॉर्म, जब भी हम किसी एनर्जी को किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, देन देयर इज ऑलवेज सम लॉस ऑफ अनयूजफुल एनर्जी. हमेशा कुछ ना कुछ सराउंडिंग्स में एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, खो जाती है, जो हमारे लिए अनयूजफुल रह जाती है, जिसे हम यूज नहीं कर पाते. सो दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज डिग्रेडेड एनर्जी. उस एनर्जी को जो हमारे लिए यूटिलाइज नहीं हो सकती है, जो हमारे हमारी पहुंच से बाहर चली गई, उसे हम कहते हैं डिग्रेडेड एनर्जी, और इस प्रोसेस को कहा जाता है डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी. और ये होता क्यों है, बेसिकली दो चीजों की वजह से, फ्रिक्शन एंड रेडिएशन. इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको प्रेजेंट कर दूं, हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब जो यूज करते थे, व्हाइट लाइट बल्ब, उसमें वो 70% एनर्जी को वेस्ट करते थे. क्यों? क्योंकि फिलामेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होता था. जब फिलामेंट पूरी तरह से रेड हॉट हो जाता था, तो देन इट स्टार्ट्स एमिटिंग द लाइट एनर्जी. तो 70% वहां पर डिग्रेडेड एनर्जी होती थी, और सिर्फ 30% हमारे पास यूटिलाइज हो पाती थी. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिग्रेडेड एनर्जी के. तो ये था पूरा हमारा सेकंड पार्ट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में. अगला पार्ट जो है हमारा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बहुत छोटा पार्ट है, लिमिटेड एरिया है, तीन मेन टॉपिक है,
सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा इट्स थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन इन द फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी, और तीसरा है इट्स वेरिफिकेशन इन द सिंपल पेंडुलम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दो स्टेटमेंट यहां पे बहुत जरूरी है बेटा। एक स्टेटमेंट होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, और दूसरा स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। क्या होता है वो सुनिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेज दैट एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अदर। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, व्हेन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इंटरचेंजिंग। मान लीजिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस पर गिरा रहे, इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी, बट एट ईच पॉइंट ऑफ द जर्नी ऑफ द बॉल, उस बॉल की जर्नी के दौरान हर पॉइंट पर जो सम ऑफ पोटेंशियल और काइनेटिक होगा, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी, दैट विल बी सेम। इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली बता देता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। और पहला जो डेरिवेशन है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये बॉल की एक सिचुएशन है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इनका सम, ये बॉल की दूसरी पोजीशन है, ये पोजीशन ए, ये पोजीशन बी और ये पोजीशन सी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम, इन तीनों पॉइंट्स पर जो सम होगा वो क्या रहेगा बेटा, कॉन्स्टेंट रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और इसमें कंडीशन भी एक पूछी जाती है कि हमने यहां कंडीशन क्या लिया है, एजम्पशन क्या लिया है। सो वी हैव एज्यूम्ड दैट देयर आर नो फ्रिक्शनल फोर्सेस इन द मोशन ऑफ द बॉल। बॉल के मोशन करते समय किसी भी तरह का फ्रिक्शनल या एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, देन ओनली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कैन बी फॉलो। तो इसका डेरिवेशन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस डेरिवेशन में भी यही सिखाया गया है कि पॉइंट ए जो मैक्सिमम हाइट पर है, पॉइंट बी जो मिडिल में मोशन के कहीं पर है बीच में है, और सी जो लोएस्ट पॉइंट है, उन तीनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करके उनको प्लस करके दिखाया गया, तीनों बार में आंसर सेम आया, जो कि ये प्रूव कर देता है कि फ्री फॉल के दौरान जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होता है तब उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉलोड हो जाता है। एंड द लास्ट टॉपिक इज सेम थिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन सिंपल पेंडुलम। वहां पर लैंग्वेज वाइज तो काफी बातें लिखी है, बट उस पर आपको रीडिंग एक बार कर लेनी है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है, रटना नहीं है बैठ के, लेकिन जो डायग्राम बना हुआ है पेंडुलम से रिलेटेड, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक्सट्रीम पोजीशंस पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है, मिडिल पोजीशन पर आने पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, तो वो एग्जांपल आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको चैप्टर 2B और सी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। खासतौर से ICSE स्टूडेंट जो इस बार बोर्ड देने जा रहे हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूं, बोर्ड जैसे भी होंगे आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखो, ठीक है। मेरे लायक कोई भी आपके पास कमेंट्स हो, क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। थैंक यू एंड वॉच द वीडियो टिल एंड, एवरी वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एजुकेशन एंड नॉलेज।